राज्य में जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को लेकर राकपा ने भाजपा पर निशाना साधा है। राकपा के प्रदेश महासचिव शेखर सावर बांदे ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि 2014 के बाद राज्य में जीडीपी दर घटती रही। 5 साल तक जीडीपी पर जो प्रभाव पड़ा उसमें सुधार के प्रयास महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही है। वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट के माध्यम से विकास दर को बूस्ट देने वाली योजनाएं लाई है। सोमवार को पत्रकार क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सावर बांदे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार के बजट की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, परिवहन व उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया गया है। 2013 तक राज्य की जीडीपी देश में सबसे अधिक थी। उसके बाद 5 साल में जीडीपी 5वें स्थान पर पहुंच गई। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद राज्य में आर्थिक सुधार के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। कोविड संक्रमण काल में विकास दर सुधारने के लक्ष्य को पाया नहीं जा सका, लेकिन वर्ष 2021-22 में आर्थिक घाटे को कम करने का बड़ा प्रयास हुआ है। 2020-21 में आर्थिक घाटा 91,000 करोड़ था। 2021-22 में उसे 24,000 करोड़ तक लाया गया है। 11 मार्च 2022 रोजी माननीय अजित दादा पवार यांनी विधानसभेमध्ये 2022-23 जो अंदाजित अर्थसंकल्प सादर केला त्या अर्थसंकल्पामध्ये जी काही पंचसूत्री दिली आहे त्याचं प्रेझेंटेशन ते समजावून सांगण्याच्या दृष्टीनं आजच्या या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन केलं आहे। आणि वास्तविक पाहता जसं आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ज्याप्रमाणे पंचतत्व असते त्या पद्धतीनं पंचसूत्र अजितदादांनी विधानसभेसमोर मांडली। कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, उद्योग आणि दळणवळण या 5 गोष्टी जर आपण महाराष्ट्रात मजबूत करू शकलो तर महाराष्ट्राचा जीडीपी ज्याला आपण स्टेटचा जीएसडीपी म्हणतो वाढू शकतो अशा प्रकारची कल्पना अजितदादांनी त्या ठिकाणी मांडली। एकूण मागच्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे 90,000 कोटीने तुटीत गेलेला अर्थसंकल्प ती तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे आणि ती तूट साधारणतः 24,000 कोटीवर आणण्याचा मानस या अर्थसंकल्पामध्ये आहे। या अर्थसंकल्पात या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून ज्या विविध योजना, लोकोपयोगी विविध योजना ग्रामीण विकासासाठी ज्या राबवण्यात आल्या आहे, वेगवेगळ्या जातीधर्माच्या लोकांसाठी राबवण्यात आल्या आहे, त्या सगळ्यांचं सविस्तर वर्णन या या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आम्ही करत आहोत। आणि अशा प्रकारे हा जो अर्थसंकल्प आहे लोकांना 22-23 या वर्षामध्ये काय काय देणार आहे याची सविस्तर माहिती आज या ठिकाणी सादर होत आहे। मला अतिशय आनंद आहे की अजितदादांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प आहे आणि हा साधारणतः पुढल्या वर्षी 2023-24 किंवा 24-25 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत या अर्थसंकल्प जाईल अशा प्रकारची व्यवस्था होईल। आणि महाराष्ट्र हे या देशातील पहिलं राज्य असेल की ज्यांचा अर्थसंकल्प किंवा ज्यांचं या अर्थसंकल्पामधला जो पाया आहे तो 1 ट्रिलियन डॉलरचा असेल आणि अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रात सादर झाला त्याचा आज या ठिकाणी प्रेझेंटेशन। सावर बांदे ने दावा किया कि महाराष्ट्र जल्द ही देश में सबसे अधिक आय पाने वाला राज्य बन जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकपा के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने की। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।